फ्रेंड्स, ये रही गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट रेसिपी। और इसे मैंने आलू और पोहे से बनाया है, और इसे किस तरीके से बनाना है ये आप रेसिपी को देखिए, पूरा देखिएगा, और इस यम्मी से ब्रेकफास्ट को जरूर बनाइए, और साथ ही ये डिलीशियस चटनी को भी जरूर से बनाइएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ विमला, मेरे विधान किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी, यह न्यू ब्रेकफास्ट रेसिपी। और आपको जब भी अच्छा सा ब्रेकफास्ट खाने का मन हो ना, तो आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे मैंने दो आलूओं को ग्रेट कर लिया है। आलूओं को छील लेना है, अच्छे से धो लेना है, और फिर उन्हें आपको ग्रेट कर लेना है। यहाँ पे थोड़े से अदरक और हरी मिर्च है, और यहाँ पे भिगोए हुए पोहे हैं, वही पोहे जिससे हम पोहा बनाते हैं ना, बस वही वाला पोहा आपको अच्छे से धोकर किसी भिगो लेना है। तो अब इन सभी चीजों को हम एक ग्राइंडर जार में ऐड कर लेंगे। तो इन सभी को हम ग्राइंडर जार में डाल देते हैं, और हमें एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट तैयार करना है इन चीजों का। तो इसका हम पेस्ट बना लेते हैं, और जितनी आवश्यकता होगी पहले मैं उतना ही पोहा यूज करूंगी, और ज्यादा लगे तो हम इसे साइड में कर देंगे और बाद में इसे ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि अच्छे से ग्राइंड हो जाए, और इसमें मैं अभी नमक ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ हरी मिर्च और अदरक और आलू और पोहे। तो इन्हें हम अच्छे से पेस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पेस्ट रेडी है आलू और पोहे का, और इसे मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ। और जब हम इसे बनाएंगे ना, तभी हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो अभी फिलहाल हम इसे साइड में कर देते हैं। तो इस तरीके का पेस्ट हमारा रेडी है, और हम इसे साइड में करते हैं, और इस ब्रेकफास्ट को हम सर्व करेंगे एक डिलीशियस चटनी के साथ। तो चटनी बनाने के लिए मैं एक ग्राइंडर जार का यूज कर रही हूँ, और इस चटनी के लिए हमें चाहिए थोड़े से गार्लिक, थोड़े से मूंगफली और एक छोटा सा प्याज। फ्लेवर के लिए प्याज ऐड कर रही हूँ मैं, और गार्लिक भी फ्लेवर के लिए, और बाकी ये तो चटनी की जान है मूंगफली, एक टमाटर और खोपरा चूरा 2 चम्मच। खटास के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आमचूर पाउडर यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो नींबू का जूस या फिर खट्टा दही यूज कर सकते हैं। अब मैं ऐड करूंगी इसमें स्वाद के लिए नमक, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च और ये तीखा लाल मिर्च ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, बस जरा सा 2 चम्मच के करीब। अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये रही हमारी चटनी रेडी है, और आप देख सकते हैं कि ये कितनी टेस्टी और डिलीशियस लग रही है। तो बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बनी हुई चटनी है। तो इसे मैं एक कटोरी में निकाल लेती हूँ, और अब हम तैयार करते हैं अपना गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बैटर रेडी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, इस तरीके से नमक ऐड कर देते हैं। और नमक ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे, जीरे से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और काफी टेस्टी और डिलीशियस लगती है ये रेसिपी। तो जीरा हम कच्चा ही ऐड करेंगे, और अब इसमें हमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाने के लिए मैंने पैन को हीट करने के लिए रख दिया था पहले से ही। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करूंगी, इस तरीके से हमें ऑयल को फैला देना है। थोड़ा सा हम ज्यादा ऑयल का यूज नहीं करेंगे इस ब्रेकफास्ट को बनाने में। और एक स्पैचुला भर करके हम इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके से, बस इसे फैलाने की कोशिश नहीं करनी है हमें, इसे एज इट इज ही रहने देना है।
फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना है, हाई पे नहीं रखना है, क्योंकि इसका इसमें पकना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और साइड में थोड़ा सा ऑयल हम स्प्रेड कर देंगे, बस थोड़ा थोड़ा सा ऑयल। और ऊपर से थोड़ा सा मैं कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो टोमेटो ऑनियन जो भी आपको पसंद है आप वो इस पे स्प्रेड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये ऊपर की जो लेयर है ना ये ड्राई हो गई है, तो अब हम इसे फ्लिप कर देते हैं और ये इजिली फ्लिप हो जाता है। तो मेक श्योर कि अच्छे से पक जाना चाहिए तभी आप इसे फ्लिप करें। तो इस तरह से करके हम इसे फ्लिप कर देंगे। इस तरीके से, और इसे लो फ्लेम पे हम अच्छी तरीके से उस साइड भी पकने देते हैं। तो ये हमारा पराठा जो है रेडी है, पराठा चीला जो भी इसे बोलना चाहे बोल सकते हैं, और ये न्यू ब्रेकफास्ट रेसिपी है। तो ये रेडी है, तो मैंने इसी तरह से एक बॉल रेडी करके रखे हुए हैं। अब इसे हम इसमें रख देते हैं प्लेट में। तो फ्रेंड्स आप भी इस नई सी रेसिपी को जरूर से ट्राई करें, और ये क्रिस्पी क्रिस्पी आलू और पोहे से बना ब्रेकफास्ट रेसिपी जरूर से ट्राई करें। और इसके साथ जो हमने ये डिलीशियस चटनी बनाई हुई है आप इसे भी जरूर से बनाएं, और ये इस पराठे के साथ में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया है तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, और चैनल विदान किचन इंदौर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको न्यू रेसिपी की वीडियो मिलती रहे। तो फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।